हेलो दोस्तों, मैं दुष्यंत शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर फिर एक बार स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लाया हूं परसेंटेज की वीडियो बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चनों की तरफ। अगर किसी संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो वह संख्या 990 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, 10/100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 1/10, और बढ़ा दिया जाए तो दोस्तों मैंने आपको पहले वीडियो बताया प्लस, तो 10 × 4/10, तो बढ़ने के बाद कितनी हो जाती है दोस्तों, 990 है। तो कितनी मल्टीप्लाई दोस्तों, 90 की मल्टीप्लाई, तो इसे भी 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारी निकल के आ गई 900। तो मूल संख्या हमारे दोस्तों, ये हमारी मूल संख्या, हमेशा ध्यान रखिए जो बटे में होती है वो हमारी मूल संख्या यानी ओरिजिनल संख्या, वास्तविक संख्या बोलते हैं। ये हमारी नई संख्या, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर एक था, अब क्वेश्चन नंबर दो की तरफ। यदि एक संख्या को एक यदि एक संख्या में 20 जोड़ा जाए तो वह संख्या खुद की 116 से ही 2/3 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, 116 से ही 2/3, 100 की वैल्यू हम दोस्तों 1 मानेंगे, 1, और 16 से ही 2/3%, 48 × 50 50/3 और गुणा 100 प्लस कर निकालेंगे, तो 50/300, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 × 5 = 30, 1/6, और ये प्लस 1, तो 6 × 6 = 7 7/6, तो कितना जोड़ा जाता है दोस्तों, 20। देखिए इनका अंतर, देखिए अंतर इनका 1, कितनी मल्टीप्लाई दोस्तों, 20 की है, तो हम इसे भी 20 की मल्टीप्लाई दोस्तों, तो 7 × 14 = 140, और इसे भी हम 20 की मल्टीप्लाई पर दोस्तों, तो 20 × 120, तो इससे क्या पूछा दोस्तों, वास्तविक संख्या, तो ये हमारी निकल के आ गई वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ये हमारी नई संख्या दोस्तों, ये हमारी नई संख्या दोस्तों। कॉपी पेन लेके बैठिए, इन क्वेश्चनों को आप नोट करते रहिए और इनके नोट्स बना लीजिए, इन पे बार बार प्रैक्टिस करिए, ये आपको परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे आपकी दोस्तों। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ दोस्तों। एक संख्या को 16 से ही 2/3 बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 1400 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें, वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, 16 से ही 2/3%, तो 16 × 48 = 50 50/3 50/3, और 100 से मल्टीप्लाई दोस्तों, तो 50/300, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 × 5 = 30, और बढ़ाया जाता है तो दोस्तों प्लस का निशान, तो 6 × 7/6, तो बढ़ाने के बाद वो संख्या दोस्तों कितनी हो जाती है, 1400, तो कितनी मल्टीप्लाई में दोस्तों, ये मल्टीप्लाई 200 की हुई सर, 200 की दोस्तों, ये भी 200, तो 2 × 12 है, तो ये हमारी कितनी आ गई, 120, 1200, तो ये हमारी निकल के आई वास्तविक संख्या।
वास्तविक संख्या और ये हमारी नई संख्या दोस्तों, नई संख्या। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक संख्या में 16 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 157 सही 1/7% हो जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात है। देखिए दोस्तों 157 सही 1/7%, तो 100 को हम 100 की वैल्यू हम कितना है 1 और 57 सही 1/7, देखिए 49 का 9 हासिल के 4, 7×35 35×39 और 1 ये प्रश्न देखो 1 ये, तो 400/7×100 तो 2 जीरो से देखो 700, 400/700 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4/7 200 तो देखिए दोस्तों जोड़ा जाता है तो देखिए 4/7 और प्लस ये देखो तो 7 करना 7×4 11 11/7 11/7 और देखिए दोस्तों इसका अंतर कितना है, अंतर कितना आएगा 4, कितनी तो कितना हो जाता है 16, कितनी मल्टीप्लाई कर दोस्तों 4 4×16 तो इसकी भी हम 4 से मल्टीप्लाई, तो 11×44 और इसकी भी हम 4 से मल्टीप्लाई तो 7×28 दोस्तों, तो इसमें क्या पूछा है वास्तविक संख्या, तो दोस्तों हमारी ये वास्तविक संख्या। और ये हमारी नई संख्या, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, एक संख्या को 3/5 से गुणा करना था पर गलती से 3/5 से भाग कर दिया तो कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। देखिए दोस्तों 3/5 से गुणा करना था और गलती से उसने 3/5 से भाग कर दिया देखिए दोस्तों इस संख्या को हम पलटते हैं, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा 5/3 अब देखिए दोस्तों इनके हरों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लीजिए एलसीएम, देखिए दोस्तों 3/5 और 5/3 तो एलसीएम लेने का तरीका दोस्तों, अगर बड़ी संख्या छोटी संख्या से कट जाए दूसरी संख्या से तो वही एलसीएम हो जाएगा, नहीं तो उसका दोगुना कर लेते हैं, दोगुना नहीं कटेगा तो तिगुना कर लेते हैं, 3 या 4 पे कट जाएगा। तो देखिए दोस्तों 5×2=10 नहीं कटेगा, 5×3=15 कट कटेगा दोस्तों, 3×5=15 और 5×3=15 देखिए दोस्तों 15 5×3=15 3×3=9 और 3×5=15 25 देखिए दोस्तों कितने का अंतर है 16 का दोस्तों, कितने का अंतर है 16 का, किससे बड़ी ये दोस्तों 9 से, तो 16/9 और 100 से मल्टीप्लाई तो किससे आप पूछा ऐसे दोस्तों
कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? तो 1600 बटे 9% की होगी। ये हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ एक संख्या को 4/5 से गुणा करना था, पर गलती से 5/4 से गुणा कर दिया, तो कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? देखिए लो, 4/5 से गुणा करना था, पर उसने 3/5 से 5/4 से गुणा कर दिया। 5/4 से गुणा कर दिया देखिए दोस्तों, नीचे वालों का घर का एलसीएम ले देखिए, 4/5 और 5/4 एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया। इसका दोगुना कर लीजिए, दोगुना नहीं तो उसके बाद तिगुना कर लीजिए, और तिगुना नहीं तो चौगुना कर लीजिए। देखिए दोस्तों, तो दोगुना करने पर 4 से नहीं कटेगा, तिगुना करने पर भी नहीं कटेगा, तो चौगुना करने पर 5 × 5 = 20। हमेशा बड़ी संख्या का ही करना, 5 × 20, तो देखिए 4 × 20 इससे 20 कट जाएगा, 20 × 20 5 × 20 तो 4 × 16, 4 × 5 = 20, 5 × 5 = 25। अब देखिए दोस्तों, इनमें डिफरेंस कितने का है? अंतर 9 का। देखिए किससे? 16 से 25 संख्या हुई तो 16 से ही बड़ी, तो 9/16, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 × 16 और 4 से 25 बार 100 कट जाएगा, 25 × 225 और बटे 4, तो 225/4 त्रुटि होगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन अगले 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, यदि एक भिन्न के अंश को 20% तथा हर को 30% बढ़ा दिया जाए तो वह भिन्न 2/3 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, एक्स बटे वाई, देखिए दोस्तों, 100 अपनात्मक संख्या होती है और 20% और बढ़ी गई, 20%, तो देखिए दोस्तों, 100 और 20 बढ़ गई तो 120, और उसके हर में भी 30 बढ़ा दिया 30%, तो देखिए दोस्तों, ये 100 अगले 30 130 और बढ़ाओ 2/3 हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, 0 से 0 खत्म, 2 से 12 6 बार, अब कटेगा अब नहीं कटेगा दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, एक्स ना 6 × 18 बराबर 13 × 13, तो वाई ना 13। अब देखिए दोस्तों, वाई की वैल्यू 18 और एक्स की 13, एक्स एक्स 13 है और वाई बटे एक्स बटे वाई तो 18 है, 18। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर आ चुका है, तो आपके क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, और अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों।